हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, यूपी जीके के साथ अपने रोजगार विज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस क्रम में हमारी यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसी क्रम में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और मैं लेकर के आया हूं आज आपको और टॉप बेहतरीन 20 क्वेश्चन। लेकिन आज सैटरडे है और हमें भी कहीं जाना है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि आज जो एक्स्ट्रा फैक्ट कम मिलेंगे क्वेश्चन में देखने के लिए। लेकिन आपको भी पता होगा कि यूपी जी की कोई विषय तो है नहीं, ठीक है। इसमें फैक्चुअल बातें होती हैं और फैक्चुअल बातों में सीधा आपको आंसर मिल जाए, वही बहुत है। कोई नियम नहीं लगाना, कोई समीकरण सॉल्व नहीं करनी, ठीक है। तो जो है आपको बने रहना है अंत तक, क्योंकि आपने देखा होगा जो किसी भी राज्य के इकोनॉमी है उसे कौन संभालता है, वहाँ के जो भी व्यापार हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं वही संभालते हैं, वही इसके प्रोग्रेस में आगे होते हैं। तो क्वेश्चन भी पुटअप ज़्यादातर यहीं से होते हैं और मैं इसके आपको 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब 20 आज होकर के 60 हो जाएंगे। मैंने 100 के लगभग क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के जो उद्योग धंधे उससे लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे, ठीक है। और बाकी आपको जो भी वनडे फिजिकल और मेडिकल वाली जो भी वैकेंसी है फोर्थ लेवल की, उसके लिए हमारे महेंद्र सर आपको पता है सदैव तत्पर रहते हैं लाइव क्लास के थ्रू। आप किसी भी डाउट के लिए लाइव के सेशन उनके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, हमारी पीपीटी को पीडीएफ के रूप में पाने के लिए और कोई भी ऐसा मैटर जो हमसे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन किस जिले में होता है, ठीक है। फल बहुत होते हैं लेकिन जो थोड़ा कॉस्टली फल होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो जो है वहाँ की इकोनॉमी पर बहुत असर डालता है। आप जानते होंगे लीची का प्राइस कितने रहते हैं, तो इसलिए ये पूछा उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन किस जिले में होता है। कई सारे जिले में होता होगा लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो ज़्यादा इनमें से प्रतापगढ़ व गाजीपुर, मेरठ व सहारनपुर, उन्नाव और कानपुर, एटा और महुआ। तो लीची जो पाई जाती है सबसे ज्यादा उत्पादन लीची का जो होता है वो होता है मेरठ में, फिर उसके बाद सहारनपुर। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मेरठ और सहारनपुर में लीची उत्पादन। याद रखना है बस, एक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार में याद हो जाएगा कि लीची कहाँ पाई जाती है ज्यादा। तो लीची जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है तो सबसे ज्यादा मेरठ और सहारनपुर, ठीक है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, देखो ताप विद्युत परियोजना आपको पता है हमारे यहाँ आने वाले टाइम में लाइट से कम हो सोलर पैनल से ज्यादा होगा, लेकिन अब तक जो है ताप विद्युत पे ज्यादा काम होता है। ताप विद्युत परियोजनाएं पूछ ली जाती हैं, तो ऊंचा हर ताप विद्युत परियोजना आपको मैं पहले भी नेजा, रोजा, दादरी, कई सारी ताप विद्युत परियोजनाएं करा चुका हूँ। उसके साथ साथ ये ऊंचा हर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ऊंचा ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है, एटा में है, रामपुर में है या बाराबंकी में, ठीक है। कहाँ पर है ऊंचा ताप, ऊंचा हर ताप, तो साथ ज्यादा भी नहीं इस तरह से ऊंचा हर ताप लिखना अपने जो भी नोट्स है और उसके आगे जो भी इसका नाम वो लिख लेना। इस तरह से कई सारा अपने नोट्स में लिख लोगे सब ताप विद्युत परियोजना, जो भी मैं सब नहीं रहता हूँ लेकिन अच्छे जो होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हें रहते हैं। तो ऊंचा हर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा रायबरेली है, कहाँ स्थित है रायबरेली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है। देखो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री पूछा है आपसे, ये नाम याद रखना, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है, वाराणसी, अकबरपुर, मैनपुरी,
या बनाई हो, ये बताना है आपको कहाँ पर है जो डीजल लोकोमोटिव है, कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, आपको बताना है। और ये बता दें, एक एल को अमेरिका था, उसके सहयोग से एल को अमेरिका, एल को अमेरिका, ठीक है, एल को अमेरिका के सहयोग से बना था। और कब बना था ये? 1861 में। कब बना था ये? 1861 में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी। कहाँ पर है? वाराणसी। एल को अमेरिका के सहयोग से कब? 1861 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना प्राप्त होता है, ठीक है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना प्राप्त होता है। सोना बताना है किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जो बालू जो होता है, रेत जिसे बोलते हैं, कहीं बालू बोला जाता है, कहीं रेत बोला जाता है, तो जो बालू है उसमें आपने देखे होंगे सोने के और चांदी के जो कण दिखाई देते हैं वो ज्यादा कहाँ मिलते हैं? गोमती घाघरा नदियों से, सागर रामगंगा नदियों से, गोमती सागर नदियों से, या सागर घाघरा नदियों से, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ से ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जहाँ जिस नदी में आपको मिलता है उस नदी का नाम यहाँ दे दिया है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पता होगा आपको रामगंगा में जहाँ तक आपने देखे होंगे, उसके साथ साथ किस में? सारदा, ठीक है, सारदा और रामगंगा नदी में। लेकिन इसके साथ साथ सोनभद्र की एक नदी है, सोनभद्र में जगह है हरदी। क्या है? हरदी। यहाँ भी पाई जाती है, हरदी में भी सोने के कुछ कण पाए जाते हैं। और दूसरा जो आपने तत्व के मामले में देखा होगा, ललितपुर, ललितपुर एक ऐसी जगह है, शायद ये कोई जगह तत्व उसमें नहीं पाया जाता हो, ठीक है। तो ललितपुर, सोनभद्र, लेकिन ज़्यादातर सारदा और रामगंगा नदियों से, और उसके साथ साथ सोनभद्र में हरदी और ललितपुर जिले से भी प्राप्त होता है, ठीक है। और एक जगह और है, वो है ललितपुर का ही एक जगह है भीकमपुर। कौन सा है? भीकमपुर, ललितपुर का ही जगह है भीकमपुर। यहाँ से भी सोना प्राप्त होने के कुछ उम्मीद या मानते हैं कि शायद संभावना है, वो व्यक्त की जाती है कि ललितपुर के भीकमपुर में भी सोने के कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में कौन सा पार्क स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आ गया तब। देखो, इसमें पार्क दे रखे अभ्यारण्य, एक क्लास अलग से आपको उत्तर प्रदेश के जो भी सब अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वो सब की एक प्रॉपर अलग से क्लास मिलेगी। इसमें ये आ गया है, तो लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा पार्क स्थित है ये बताना है आपको। तो और जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो भी अपने यहाँ पर ही है, ठीक है, लेकिन अब शायद आपको पता होगा कि वो दूसरे राज्य में पहुँच गया है, ठीक है, कौन सा? जिमकार्बेट। तो अब जो है यहाँ ये पूछा गया है आपसे, लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा पार्क स्थित है, मात्र लखीमपुर खीरी में बताना है। तो चंद्रप्रभा ये भी नहीं है, गौतम बुद्ध ये भी नहीं है, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क हमारे कहाँ पर स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर ये इसका स्थान जानना चाहते हैं आप, तो ये आपको पता होगा दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी भी हमारा एक बड़ा जिला है, और उसमें ये नेपाल की सीमाओं तक फैला हुआ है, नेपाल की सीमाओं तक ये फैला हुआ है। कानपुर में कौन सा ताप विद्युत केंद्र कोयला पर आधारित है? कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, याद रखना, जब भी कानपुर दिमाग में आए तो वहां ये याद कर लेना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर। तो कानपुर सा कौन सा ताप विद्युत केंद्र कोयला पर आधारित है? कई सारे हैं, हडुआगंज भी है, रादरी भी है, लेकिन कौन सा जो है सिर्फ कोयला पर आधारित है, जो कोयला से चलता है, ठीक है। तो कोयला से चलता है हमारा कौन सा? ये नहीं है, बादरी नहीं है, हरदुआगंज नहीं है, काना नहीं है, कौन सा? पनकी ताप विद्युत केंद्र। कौन सा है हमारा? पनकी ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा, वो किस पर आधारित है? वो कोयला पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। कन्नौज, इत्र नदी, इत्र नदी के साथ साथ
बीड़ी का उत्पादन भी पूछ लिया जाता है, तो बीड़ी की सबसे बड़ी खपत जो पूरी होती है वो कहाँ से होती है? कन्नौज से होती है, ठीक है। दूसरा, हमारा मुरादाबाद को किस नाम से याद आता है? पीतल नगरी, ठीक है, पीतल नगरी, पीतल नगरी। तो पीतल के बर्तन, एक चीज याद रखना, पीतल के बर्तन यदि आए तो मुरादाबाद है, पीतल से बनी मूर्तियां आ जाए तो मथुरा है, याद रखना है मूर्तियां मथुरा, और अगर आ जाए बर्तन तो मुरादाबाद, ठीक है, ये याद रखना है आपको, मूर्तियां मथुरा और बर्तन मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है आपको, कहाँ पर स्थित है कृत्रिम रबड़ का कारखाना, कृत्रिम रबड़ का कारखाना, ठीक है। तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है या मोदीनगर है? तो कहाँ पर है? मोदीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है वो मोदीनगर में। आगे चलते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, यदि अब मैं इतनी बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि शायद आपके दिमाग में छप गया होगा, क्यों? क्योंकि औद्योगिक नगर और यदि उसके साथ क्या हो जाए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो ऊपर होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा क्या कहलाता है? कानपुर। क्या कहलाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर। कानपुर के उद्योग धंधे जिसमें सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है? चमड़ा प्लस कपड़ा, ये दो जो है चमड़ा और कपड़ा हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, तो इसलिए औद्योगिक नगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कानपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृत्रिम अंक, ये अंक नहीं है अंग है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है, कहाँ पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं ये पूछा है आपसे, ठीक है। और ये एक सेंटर है, कौन सा है सेंटर में बता देता हूँ, जहाँ कृत्रिम अंग बनते हैं, एलिम्को सेंटर, कौन सा है? एलिम्को सेंटर, एलिम्को सेंटर। अब आपको बताना है मंजरपुर में, कानपुर में, हाथरस में, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दे रहे हैं आपको कि ये कहाँ बनते हैं कृत्रिम अंग, बताइए जल्दी। तो कृत्रिम अंग जब औद्योगिक नगर में भी ये आगे है, कैसे हमारा क्या होगा कानपुर जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, एलिम्को सेंटर में क्या बनाए जाते हैं हमारे कृत्रिम अंग। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी आपने देखा होगा जो चिकनी होती है, जो हमारे चाय वाले कप होते हैं, केतली होती है, ये जो बनते हैं, तो उसके लिए जो शहर है कौन सा प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो इसमें आगरा आपने कई सारी चीज़ों में प्रसिद्ध देखा होगा, गाजियाबाद भी, मेरठ भी, लेकिन हमारा एक शहर है छोटा सा उत्तर प्रदेश में, कौन सा? खुर्जा। खुर्जा सिर्फ इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चीनी मिट्टी, सिर्फ चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी और सजावटी वस्तु, क्या है? सजावटी वस्तु, वस्तु इसके लिए, चीनी मिट्टी और सजावटी वस्तुओं के लिए ही हमारा खुर्जा मशहूर है। आगे उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे विकसित है? देखिए सीमेंट उद्योग भी बहुत विकसित है, कपड़ा उद्योग भी बहुत विकसित है, लेकिन ये कुछ राज्यों में विद्युत उद्योग भी, लेकिन कपड़ा उद्योग आपने कानपुर है, सहारनपुर, सीमेंट उद्योग भी कुछ जगह, लेकिन सभी जगह एवरेज औसतन जो सब जगह है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो वो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सबसे ज़्यादा विकसित जो हो चुका है, तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा विकसित उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है, सबसे ज़्यादा विकसित उद्योग कौन सा है हमारा? चीनी उद्योग हमारा सबसे विकसित उद्योग है, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर विद्यमान है? एकमात्र अफीम फैक्ट्री बतानी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश की है वो कहाँ पर है। ये मैं बता दूँ आपको, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी, किसके द्वारा लगाई गई थी? अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी अफीम फैक्ट्री, और ये कब लगाई गई थी? ये लगाई थी 1820 ईस्वी में, कब लगाई गई थी? 1820 ईस्वी में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? चंदौली नहीं, मेरठ नहीं, बड़ौ नहीं, कहाँ लगाई गई थी? गाजीपुर में। कहाँ लगाई गई थी? गाजीपुर में अंग्रेजों द्वारा, कब? 1820
ट्वेंटी ठीक है, कब 1820। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर अपने व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज, और इसका व्यवसाय ना पता हो तो शायद आप अभी बहुत पीछे हैं स्टडी में, ठीक है, क्योंकि कन्नौज में बहुत बड़ा नगर पैसा भी पाया गया था, तो वहाँ बहुत चला था इत्र नगरी के नाम से, तो कन्नौज जो है। और एक चीज और है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें ये एक ऐसा शहर है, ना तो इसका नाम हमारी जो भाषा है हिंदी उस पर है, ना ही हमारी जो आधिकारिक भाषा है उर्दू है, ना ही उस पर है, ये अलग ही इसकी खुद की भाषा क्या होती है आपने सुना होगा, कन्नौजी भाषा, कन्नौजी भाषा पर इसका नाम है। और यहाँ क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, तो इत्र का व्यवसाय सबसे ज्यादा कन्नौज में पाया जाता है, इसीलिए इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। उसके साथ साथ अभी मैंने बताया था बीड़ी भी यही सबसे ज्यादा बनती है, ठीक है, क्या बीड़ी भी सबसे ज्यादा यही बनती है, तो दोनों उद्योगों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको ये बताना है, ठीक है। एक आपने देखा होगा लिखा हुआ, क्या नाम बता दूं मैं, लालगंज, क्या देखा होगा आपने ज्यादातर रेल कोच फैक्ट्री में इंजन वगैरह में लालगंज लिखा हुआ देखा होगा, तो जो लालगंज है वहां लगातार इंजन में नई सी नई टेक्निक्स और जो जितनी भी खपत है हमारे यहाँ कोच फैक्ट्री कोच बनाने की, जो इंजन के साथ साथ जो कोच होते हैं आपने देखा होगा, जैसे अपार्टमेंट कहते हैं या कंपार्टमेंट कहते हैं या डिब्बा कहते हैं, उसमें नई सी नई टेक्निक सीट्स चेंजिंग और एयर या फिर कुछ चैन पुलिंग, नई सी नई तकनीकें जो आ रही हैं वो हमारी कहाँ से आती रहती हैं, लालगंज में बनते रहते हैं, और आज जो ज़्यादातर बन रही है जो जनता की जरूरत है वो कहाँ, लालगंज में, और लालगंज है कहाँ हमारा, राय, कहाँ है, रायबरेली। तो उत्तर प्रदेश में निम्नांकित कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, रायबरेली, ठीक है, कहाँ, रायबरेली। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ प्रतिष्ठापित की जा रही है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर प्रस्थापित की जा रही है, लखनऊ में, बरेली में, औरैया में या मुरादाबाद में, आपको बताना है कहाँ पर की जा रही है, तो जल्दी जवाब दीजिए, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ प्रस्थापित की जा रही है, तो ये एक जगह है, क्या जगह है, लखनऊ में है, प्लेटेरेनियम स्थित है, ठीक है, लखनऊ में प्लेटेरेनियम स्थित है, और कहाँ पर है, लखनऊ में, ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ठीक है, याद रखना है कहाँ है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, और किसके पास में स्थित है ये, एक तारामंडल सूरज कुंड उसके पास ये स्थित है, प्लेटेरियम इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। दादरी ताप विद्युत परियोजना मैंने जैसे बताया आपको, कई सारी विद्युत परियोजना लेकर के आए हैं जो भी उद्योग धंधे की सीरीज है, ठीक है, आपको बताना है दादरी ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मेरठ, हापुड़, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है आपको, कहां पर स्थित है ये, ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए, दादरी ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित है, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वैकेंसी में फॉर्म फिल किए होंगे या एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि 5, 10, 15 तक UPGK से क्वेश्चन आते हैं और वो फैक्चुअल ही आते हैं, ठीक है, या तो कोई सर पूछ ली जाएगी, कोई स्थान पूछ लिया जाएगा, या कोई उसका उद्योग धंधा पूछ लिया जाएगा, सेंचुरी, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क, यही पूछे जाते हैं बार बार, और जो करंट में पहुंच जाते हैं यूपी के या फिर पुराने हमारे यूपी के मुख्यमंत्री वगैरह ये पूछ लेते हैं, उनके लिए आपको एक प्रॉपर क्लास कलेक्शन मिलेगी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि एक बार सरसरी निगाहों से जरूर इस क्लास को देख लें, जिससे आपको जहाँ भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आप अच्छे से पुटअप कर पाएंगे। तो दादरी ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है, कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध नगर, कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थापित है? कौन सा है? टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है कौन से जिले में? अम्बेडकर नगर में, संतरा विकास नगर में, गाजियाबाद में या संत कबीर नगर में? ये जवाब देना है आपको जल्दी से। कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? अम्बेडकर नगर में। कहाँ किया जा रहा है? अम्बेडकर नगर में। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थापित अम्बेडकर नगर में। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवला कहाँ पर उत्पादित होता है? आंवला, आंवला आपने देखा होगा नींबू की तरह एक खट्टा फल होता है जिसका अचार पिकल भी बनता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवला कहाँ उत्पादित होता है? प्रतापगढ़, मेरू, बुंदेलखंड या मुरादाबाद? आंवला कहाँ पर ज्यादा होता है तो मैं बता दूं आपको, एक नाम इसमें नहीं दे रखा है, इलाहाबाद में भी आंवला होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। उससे ज्यादा कहीं कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। तो याद रखना प्रतापगढ़ ऑप्शन में या इलाहाबाद हो, दोनों जगह पर क्या होता है? आंवला ज्यादा मात्रा में होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? गैस। एक आपको अभी कोयला पर आधारित बताया था, एक आपको डीजल पे बता दिया है, और अब ये किस पर है? गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना। आंवला ताप विद्युत परियोजना, वो आंवला फल जो हमारा पूछा जा रहा था वो कहाँ ज्यादा पैदा होता है, ये आंवला ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है, कहाँ पर है? संभल, सोनभद्र, बरेली या चंदौली? तो आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा बरेली। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको इसकी पीडीएफ या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कोई भी आपको क्वेरी है तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जुड़ने के बाद अपना ये जरूर बताएं कि आप किस वैकेंसी की या किस क्षेत्र में आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके लिए नई सी नई क्लासें ला सकें। क्योंकि आपने देखा होगा यूपीजी के हिंदी, मैथ, और अब नई क्लास आपको सुभाष सर के द्वारा रेलवे के साइंस के लिए भी मिल रही है, और एज वेल एज पॉसिबल होगा तो आपको इंग्लिश की क्लास भी नेक्स्ट वीक से प्रॉपर रूप में आपको स्टार्ट सब्जेक्ट रेडी के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट से जीरो लेवल से, और मैं कहूँगा जीरो लेवल से सरकारी स्कूल वाले लेवल से, जो जो बच्चे ने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं उस लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराएंगे। मेरा मानना है कि अगर आपने सब क्लासें देखी तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए।